हो गया सामान तुम्हारा। नाश्ते में क्या खाएंगे आप? बिल्कुल छोटा सा 2 बाइट्स पराठा। और सबसे आसान चीज बना लो। दाऊद कैसा है? मजेदार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं और मज़े में हैं, खुशबाश हैं। दाऊद को स्कूल भेजने के बाद मैं इधर टेरेस पे कुछ देर के लिए आ गई थी। इतनी अच्छी हवा चल रही थी और ये फूल जो आप देख रहे हैं गिरे हुए, ये मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था चाय का कप ला के मैं अपना ब्रेकफास्ट इधर ही बैठ के कर, लेकिन हस्बैंड मेरे अभी सो रहे थे तो मैं उनका वेट करूंगी। जब वो उठेंगे फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। और तब तक इतनी अच्छी और ठंडी मजे की जो हवा चल रही है, फ्रेश एयर है, उसको इनहेल करते हैं अपने अंदर। और साथ ही साथ सड़क पर ये जो इस वक्त रौनक चल रही है, इसको इंजॉय करते हैं, क्योंकि सामने है स्कूल और कितने ही पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को छोड़ने आए हुए थे। और सुबह हर रोज़ 9 बजे यहाँ इसी तरह से बहुत रौनक होती है हर स्कूल के बाहर, क्योंकि 5 मिनट के लिए स्कूल का गेट खुलता है और 5 मिनट के बाद बच्चे को ड्रॉप करके आपको वहाँ पे और कोई नज़र नहीं आता। 5 मिनट के बाद सब, वैसे भी 9 बजे सब ने अपने कामों पर जाना होता है और बहुत बिजी स्केड्यूल होता है यहाँ पर, तो एक भाग दौड़ सी आपको नज़र आ रही है रोड पर इस वक्त लगी हुई है। बस कुछ देर खड़े होने के बाद यहाँ मैं आ गई किचन में और वापस अपनी ड्यूटी पे। मैंने कहा हस्बैंड उठने वाले हैं तो कुछ प्याज श्याज काट लेते हैं, टमाटर काट लेते हैं। जब तक मैं प्याज और टमाटर काटती हूँ, ऑमलेट का सामान काटती हूँ, तब तक आप मेरा जाकर चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। और वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है, व्लॉग एंड तक देखना है, क्योंकि मैं एक टिप भी आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करूँगी। इसके अलावा बिल्कुल 5 मिनट में रेडी होने वाला पिज्ज़ा शेयर करूँगी। नाश्ते में क्या खाएंगे आप? हाँ जी, क्या खाना है नाश्ते में? देसी घी का पराठा बना रहे, अच्छा सा ऑमलेट चीज डाल के। ऐसे वेट बढ़ गया थोड़ा सा? नहीं थोड़ा सा नहीं, काफी बढ़ गया। अच्छा फील नहीं होता। हाँ तो पराठा रहने देते हैं फिर, आज एक स्लाइस खाएं खाली चाय। हाँ ऑमलेट अच्छा। टमाटर मैं काट चुकी हूँ, उसके बाद प्याज काट के उसको चॉप करते हैं थोड़ा सा। अब जल्दी से बनाते हैं दी फेमस चीज़ ऑमलेट और साथ में बनाएंगे मज़ेदार से देसी घी वाले पराठे। और ये हो गए रेडी। मियाँ जी को देते हैं नाश्ता। तो नाश्ते के फौरन बाद मुझे दाऊद को स्कूल से पिक करने के लिए जाना होता है, लेकिन उससे पहले मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि मैं आपके साथ एक आज बहुत यूज़फुल टिप शेयर करूंगी। तो अभी जो मैं अपने बालों में अप्लाई कर रही हूं, इसके बारे में आपको बताती हूं कि ये कितना यूज़फुल है और कितनी आपकी लाइफ इससे आसान होने वाली है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं फ़र्स्ट वॉश के बाद ही, और सेकंड डे आपका मूड बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बालों को वॉश करें, या फिर आज पार्टी है और आप अपने बालों को वॉश नहीं करना चाहते, आपका शैम्पू ख़त्म हो गया है, या फिर आप दूर कहीं माउंटेन्स में गए हुए हैं, वहाँ पे मौसम ठंडा है, सर्दी है, टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, और आपको फिक्र है कि मेरी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आएंगी अगर मेरे बाल वॉश नहीं हुए हुए होंगे, क्योंकि पिक्चर्स तभी अच्छी आती हैं जब बालों की अच्छी से सेटिंग हुई हुई होती है और बाल फ्रेश लग रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, ड्राई शैम्पू। अगर आपके पास नहीं है तो वो ख़रीदें, अपनी वैनिटी में उसको ऐड करें। आपने कहीं भी इमरजेंसी में जाना है, आपके बाल ऑयली हैं, स्कैल्प ऑयली है, तो उसको बस जल्दी से पकड़ें, स्प्रे करें एंड यू आर गुड टू गो। मैं यूज़ करती हूँ बेटिस्ट का ड्राई शैम्पू, ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अर्सा ये चल जाता है, काफ़ी चीप भी है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं आता। तो मार्केट में और बहुत से ड्राई शैम्पूज़ अवेलेबल हैं, बहुत से ब्रांड्स के हैं, आई एम श्योर आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। खाने में आज मैंने बनाया था चने वाला पुलाव और साथ में ज़रदा। मेरे हस्बैंड को ये कम्बिनेशन बहुत पसंद है और काफ़ी अरसे के बाद मैंने ज़रदा आज बनाया था, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बना था। तो रेसिपी मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए थे, उन्होंने खाना सर्व करना था उनको, तो बस रेसिपी मैं फिर किसी वक्त शूट करूंगी और फिर इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ज़रदा बहुत क्विक, बहुत इजी रेसिपी है, बड़ी जल्दी बन जाता है, और बस हस्बैंड ये अभी उनको खाना सर्व कर रहे हैं और खुशबू से ही कह रहे थे मेरे हस्बैंड के बड़ा मज़ेदार लग रहा है और बड़ा अच्छा, चने के पुलाव की भी बड़ी अच्छी लुक आ रही थी, लेकिन वो जो ज़रदे की एक प्रॉपर लुक होती है ना, वो कलरफुल से जो मुरब्बे जब तक ऊपर ना डालें वो नहीं आती। सामान तुम्हारा
एंड फाइनली मेरे गिफ्ट्स, मेरे समर के ड्रेसेस मुझे रिसीव हो गए हैं। इसकी अनबॉक्सिंग मैं करूँगी आपके साथ किसी और व्लॉग में, वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अभी डिनर का टाइम हो गया, 9:05 हो गए और दाऊद ने कहा है कि मुझे कोई चावल और कुछ नहीं खाना, मुझे पिज़्ज़ा बना के दो। तो बस जब आपको क्विक सा काम करना हो ना, आपके पास डो भी नहीं पड़ी हुई, तो आपको ये रेडीमेड सा काम कर लेना चाहिए। ये एक पिज़्ज़ा मिलता है यहाँ से मरकादोना से, टमाटो एंड केसो वाला, तो इसमें सिर्फ टमाटर होते हैं और चीज़ होती है ऊपर, और कोई टॉपिंग नहीं होती। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल कर सकते हो, चिकन की कर सकते हो, बीफ की कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अभी मैं आपके सामने इसको रेडी करूँगी, ओवन के अंदर थोड़ी देर के लिए बेक करूँगी, इसका मिक्सचर सारा रेडी करूँगी, टॉपिंग रेडी करूँगी, और ये इतना यमी बनता है कि आप सारे बाजार के पिज़्ज़े भूल जाएंगे। जस्ट 5 मिनट्स में इसकी ये टॉपिंग सारी रेडी हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपने पैन में ऑयल डालना है और उसके साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है बोनलेस चिकन ऐड करने के बाद आप इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाए चिकन का। इसके बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर, 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर डालेंगे, जितना सा ये चिकन है उसके हिसाब से। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप लहसुन पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। इसको आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे, उसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। नमक के साथ ही इसमें चली जाएगी काली मिर्च, काली मिर्च के बाद डालेंगे क्रश्ड रेड चिलीज, और उसके बाद थोड़ा सा पेपरिका डालेंगे। इसको 1-2 मिनट के लिए फिर से भूनेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे ओरेगानो, फिर इसको थोड़ा सा भूनें। इसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग लेमन जूस बिल्कुल 1 टीस्पून डालें, उससे ज़्यादा नहीं डालें। और उसके बाद डालेंगे ये टमाटो पेस्ट था मेरे पास, वो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला, टमाटो पेस्ट भी ज़्यादा नहीं डाला बिकॉज ऑलरेडी पिज़्ज़ा के ऊपर टमाटो पेस्ट लगा हुआ है। टमाटो पेस्ट डाल के फिर इसको थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर देंगे। मेरे पास इस वक्त शिमला मिर्च और प्याज थी, वो दोनों मैंने इसमें ऐड कर दी थी, लेकिन 1-2 बार सिर्फ चम्मच चलाएं और चूल्हा बंद कर दें। बाद हम लेंगे पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा फ्रोज़न था, इसको मैंने 20 मिनट पहले फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखा था ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे ये जो टॉपिंग हमने रेडी की है, इसको हम पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेट की हुई चीज़। अच्छी तरह से चीज़ डालने के बाद आप थोड़ी सी क्रश्ड रेड चिलीज डालें और साथ ही थोड़ा सा बिल्कुल ओरेगानो डालें और ऊपर से डाल दें ऑलिव्स। जब तक मैं चिकन रेडी कर रही थी उस दौरान मैंने अपना जो ओवन है उसकी ग्रिल को ऑन कर दिया था, उसको स्लो टू मीडियम हीट पर रखा था ताकि ओवन जो है वो अच्छी तरह से प्री हीट हो जाए। और ग्रिल मैंने इसलिए ऑन की है क्योंकि ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा है, इसकी डो ऑलरेडी थोड़ी सी हाफ कुक्ड होती है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 5-10-15 मिनट में ये पक जाता है। और जब ऊपर इसके थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अभी 5 मिनट के बाद, मैंने 10 मिनट के बाद निकाला था तो सिर्फ चीज़ मेल्ट हुई थी, लेकिन अभी इतना गोल्डन कलर नहीं आया था। और 5 मिनट के लिए मैंने और रखा इसको फिर, और अब फाइनली मैं इसको बाहर निकालूंगी, डिश आउट करूंगी। और इतनी को मज़ेदार खुशबू थी, इतना यमी पिज़्ज़ा, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लास्ट में दाऊद का रिएक्शन चेक करते हैं कि दाऊद को पिज़्ज़ा कैसा लगा। दाऊद कैसा है? मज़ेदार।